वृद्धावस्था को प्राप्त कर सुख पूर्वक मेरे साथ जीवन को धारण कर। मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिए आपके हाथ को ग्रहण करती हूँ। ये कन्या भी कह रही है, आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था तक प्रसन्न और अनुकूल रहिए। आपको मैं और मुझको आप आज से पति पत्नी के भाव से प्राप्त हुए हैं। सकल ऐश्वर्युक्त न्यायकारी सब जगत की उत्पत्ति करता, बहुत प्रकार के जगत का धर्ता परमात्मा और सभा मंडप में बैठे हुए विद्वान लोगों ने गृहस्थ आश्रम के लिए मुझे आपको और है ना एक दूसरे को दिया है। हे प्रिय ऐश्वर्युक्त, मैं तेरे हाथ को ग्रहण करता हूं तथा धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक मैं तेरे हाथ को ग्रहण कर चुका हूं। तू धर्म से मेरी पत्नी है और मैं धर्म से तेरा गृहपति हूं। हम दोनों मिलके घर के कामों की सिद्धि करें, जो दोनों का प्रियाचरण करते हुए हम सुसंतान ऐश्वर्य और सुख की सर्वदा बढ़ती किया करें। सब जगत पालक करने हारे परमात्मा ने तुझे मुझको दिया है। तू जगत भर में मेरी पोषण करने वाली पत्नी हो। तू मुझ पति के साथ 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन धारण कर। आगे और कहा कि हम दोनों गृहस्थ जीवन के अभ्युदय को हमेशा बढ़ाया करेंगे, जैसे सूर्य अपनी ऊर्जा से हमेशा सभी को प्रकाशित करता रहता है, ठीक वैसे ही हम अपने गृहस्थ जीवन से दूसरों को प्रेरणा देते रहेंगे और सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करेंगे। इस प्रकार की प्रार्थना हम ईश्वर से भी करते हैं और सभा मंडप में बैठे हुए सभी महानुभावों से आशीर्वाद की कामना भी करते हैं। इन समस्त